एक सच्ची घटना बताता हूं। एक डॉक्टर था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे ऐसा काम करता था। तो जिस एरिया में रहता था कई जगहों पे उसकी कार नहीं जा सकती थी तो उसको पैदल जाना पड़ता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होके 12 बजे आके सोया और रात को 2 बजे उसके फोन बजा। 2 बजे उसका फोन उसकी वाइफ ने उठाया तो वाइफ फोन पे उसको समझा रही थी कि आप उसके गर्म पट्टी की जगह, वो गर्म हो रही है तो ठंडी पट्टी लगाओ, उसको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट दे। इतने में इसकी चेतना ने इसको आवाज दी, कौन है? कि एक माँ है जिसकी बेटी बीमार हो रही है। उसकी चेतना ने पकड़ लिया कि कोई मेरे को याद कर रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने पूछा कि कितनी प्रॉब्लम है, कि बुखार 104 डिग्री प्लस है। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया और चालू हो गया रवाना। वहां तक पैदल जाना था तो जाते टाइम एक सुरंग थी, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज दी, डॉक्टर। वो रुक गया, माचिस है क्या? तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी। जलाते टाइम इसका चेहरा देखा, चला गया। फिर जब वापस आ रहा था उस लड़की का इलाज करके, वापस उसने पूछा, डॉक्टर माचिस है क्या? इसने फिर नीचे बैग रखा, माचिस की तिल्ली जलाई और इसकी सिगरेट जला दी। फिर भी चेहरा देखा, आगे चला गया। रात को 4 बजे 5 बजे जाके सोया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फोन आया, इसके डॉक्टर ऑफिसर का फोन आया कि आपकी अर्जेंट जरूरत है हमें। रात को अपने ऑफिसर का किसी आदमी ने मार पिटाई कर दी, बहुत ज्यादा घायल हैं, सुरंग में किसी ने इनको लूट लिया और इनको बहुत नुकसान पहुंचाया, इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो पहले तो डॉक्टर ने जाके सुबह 7 बजे उसका इलाज किया अपने ऑफिसर का, और फिर पूछा कि इसका ये किसने किया। तो उन्होंने कहा कि जिसने किया था सुरंग में ये काम, उस आदमी को हमने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। तो उसने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये गया और जेल में जाके देखा तो वो वही आदमी था जिसकी रात में इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने बोला, इसने एक ही प्रश्न पूछा जो आपके मन में आ रहा है कि मैं भी तो आया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा। उसका जवाब सुन के मेरी जमीन निकल गई कि मैं तेरे को लूटता भी और तेरे को कूटता भी, लेकिन जब भी तू आया मेरे पास तो तू अकेला नहीं था, तुम दो थे, और मैं अकेले को लूटता हूँ, दो को नहीं लूटता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दूसरा कौन? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी ना, ये अमेरिका के किसी डॉक्टर की कहानी है जिसने अपनी बायोग्राफी में लिखी है, उसके साथ वो पावर थी जिसको आप लोग और हम लोग सुप्रीम पावर कहते हैं, क्योंकि उसको ये पता था कि इस आदमी के साथ हादसा होगा जो अपने प्रोफेशन को इतना बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो तो अकेला ही था ना, उसको थोड़ी पता था। उस दिन के बाद उसको यकीन हुआ कि जब मैं अपने काम को प्राणों से ज्यादा पसंद करता हूं तो मेरे को कोई पावर मदद करती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपका ध्यान इतना ज्यादा मेटरलिस्टिक हो चुका कि आपको पावर शब्द पे विश्वास नहीं रहा, कि आप कोई कह रहा माचिस, कोई कह रहा है छाया। आपको ये तो पता है ना पावर्स होती है, तो यहां ध्यान क्यों नहीं गया? मेरा तो जैसे ही मैंने पढ़ा था ना ये स्टोरी, कि जैसे उसने कहा तू एक नहीं तू दो था, मैंने कहा भाई रे, वो दो ही थे भाई साहब, लेकिन डॉक्टर को थोड़ी पता चलता कि दो थे कि नहीं थे। ऐसे आपकी जिंदगी में आपको भी कई बार प्रकृति मदद करती है।